हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तीन प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसको समझने से पहले हमें इंटरस्टीशियल साइट्स का पता होना चाहिए। हम सॉलिड स्टेट में सॉलिड्स में क्लोज पैकिंग को पढ़ चुके हैं। वहां हमने पढ़ा था कि सॉलिड के पार्टिकल जिन साइट को ऑक्यूपाई करते हैं वो कहलाती हैं लेटिस साइट। उन लेटिस साइट्स के बीच में जो वैकेंट स्पेस बचते हैं वो क्या कहलाती हैं, इंटरस्टीशियल साइट। अब क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो स्फेरिकल होते हैं, उनको पैक करेंगे, उनकी जब पैकिंग होती है तो वहां खाली जगह बचेंगी, और ये जो खाली जगह है ये स्मॉल साइज की होती है, तो इनको स्मॉल एटम ही ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगर किसी मेटल के लेटिस में इंटरस्टीशियल साइट्स को स्मॉल साइज एटम ऑक्यूपाई कर लें तो इस तरीके से बनने वाले कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स। डिफाइन करते हैं, ये क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में 8.12। इंटरस्टीशियल कंपाउंड क्या होते हैं और ये ट्रांजिशन मेटल्स में क्यों बनते हैं, तो दोनों बातों को समझें। पहले डिफाइन किया हमने द कंपाउंड्स फॉर्म्ड when interstitial sites in the lattice of metals are occupied by small size atoms like boron, carbon, nitrogen, तो इनको हमने क्या कहा, interstitial compound। Example इसका steel। हम घर में building बनाते हैं तो जो iron use करते हैं वो actually steel होता है, क्योंकि वो pure iron नहीं है। Pure iron की उतनी hardness नहीं होती जितनी हमें चाहिए, तो उसको hard बनाने के लिए आयरन के अंदर कुछ परसेंटेज कार्बन की होती है। तो जैसे मान लिया हमने ये आयरन है, तो ये जो पार्टिकल्स दिखा रखे हमने ये आयरन के एटम्स हैं, इनके बीच में जो खाली जगह बची हुई है इनको ऑक्यूपाई कर रखा है किसने, कार्बन ने। तो जो स्टील है वो एक्चुअली क्या हुआ, इंटरस्टीशियल कंपाउंड। अब रीजन क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट में ही क्यों बनते हैं मेनली, तो उसका कारण क्या है, ये जो वैकेंट स्पेस है, हालांकि वैकेंट स्पेस तो सभी मेटल्स की पैकिंग में होते हैं लेकिन उनका जो सुटेबल साइज है वो सिर्फ किसमें होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। इसलिए रीजन क्या देंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुटेबल वैकेंट स्पेस इन देयर क्रिस्टल लैटिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें सेंट्रल एलिमेंट एटम बोले इसको, ये इन मोलिक्यूल या आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए मेटल के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, और ये जो यहां पार्टिकल है मॉलिक्यूल या आयन है इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही क्यों बनते हैं, तो उसका कारण क्या है, ये जो एलिमेंट है ट्रांजिशन मेटल का एटम है इसमें चार्ज ज्यादा आ सकता है, चार्ज 1 से लेके 7-8 तक आ सकता है, तो चार्ज ज्यादा होगा मेटल पे तो उसके एटम का स्मॉल साइज हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। दूसरी बात, इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसकी सुटेबल एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन सभी एटम में नहीं हो सकता, कोई एटम डोनेट करे तो उसको एक्सेप्ट तभी करेगा जब उन दोनों एटम के ऑर्बिटल की एनर्जी कंपेरेबल हो। तो इसके दो रीजन है, पहला क्या बताया, इनका स्मॉल साइज है, हाई चार्ज है, और सेकेंड प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सुटेबल एनर्जी। वैकेंट ऑर्बिटल सभी मेटल के पास होते हैं लेकिन ट्रांजिशन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है उनकी सुटेबल एनर्जी है टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थर्ड प्रॉपर्टी है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एग्जांपल लिखे हमने, जैसे ब्रॉन्ज है ये कॉपर जिंक का अलॉय है, ब्रॉन्ज है ये कॉपर टिन का है। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन मेटल्स अलॉय बनाते क्यों, अलॉय तभी बनेगा जब उन दो मेटल के या तीन मेटल के एटॉमिक साइज, एटम का साइज लगभग बराबर हो और साइज का डिफरेंस 15% से ज्यादा नहीं हो। और ये हमें पता है कि ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर इन द मिडल ऑफ सीरीज साइज है वो एलिमेंट्स का लगभग
बराबर होता है। अलॉय क्यों बनाते हैं ये? ड्यू टू देयर सिमिलर एटॉमिक साइज। तो ये हमने तीन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया। एक पॉइंट इसमें और ऐड कर दें, ये जो इंटरस्टीशियल कंपाउंड बनते हैं इसमें क्योंकि वैकेंट स्पेस मिनिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि जो खाली जगह थी वो ऑक्यूपाई कर ली किसने? स्मॉल साइज ने, इसलिए हार्ड हो जाते हैं। हार्डनेस बढ़ जाती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है और ये इनर्ट हो जाते हैं, इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये मैंने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स। तो कंप्लीट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स।